गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस में चल रहा है 9th चैप्टर उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक में हमने इन यौगिकों का नामकरण, समावयवता पढ़ ली थी और अब इनके आकृति ज्यामिति के बारे में पढ़ रहे थे हम, इनके गुणों के बारे में। उसके लिए जो सिद्धांत दिया गया था VBT संयोजकता बंध सिद्धांत, तो संयोजकता बंध सिद्धांत की जो थ्योरी थोरटिकल चीजें थी वो मैंने पिछली क्लास में आपको बता दी थी कि संयोजकता बंध सिद्धांत में क्या करते हैं, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं जिससे हमें केंद्रीय विन्यास मिल जाता है, धातु परमाणु केंद्रीय धातु धनायन का विन्यास मिल जाता है। फिर हम लिगेंड देखते हैं, अगर प्रबल लिगेंड है तो जो N-1D कक्षक होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है जिससे हमको N-1D रिक्त कक्षक उपलब्ध हो जाते हैं संकरण के लिए, और इस प्रकार से जो संकुल यौगिक बनता है उसको अपन अंतः कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। और यदि लिगेंड दुर्बल है तो अंदर के जो N-1D कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनका युग्मन नहीं होगा, अतः ND कक्षक हमारे पास उपलब्ध होंगे संकरण के लिए, N-1D कक्षक उपलब्ध नहीं हो पाते और इस प्रकार से जो संकुल बनता है उसको बाह्य कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल कहते हैं। और मैंने बताया था जिस भी यौगिक में, जिस भी संकुल में अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जिस संकुल में या उपसहसंयोजक यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो वो तो होगा अनुचुंबकीय और रंगीन, कलरफुल, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं पेयर्ड हैं, तो आपका वो संकुल प्रतिचुंबकीय होगा। उसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिचुंबकीय होगी और वो कलरलेस होगा, रंगहीन होगा। ये अपन ने इसमें बताया था, मैंने थ्योरेटिकल चीजों में एक एग्जांपल भी कराया था, अब आगे के एग्जांपल करते हैं क्योंकि जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे वैसे वैसे ही आपको ये चीज समझ में आएगी। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, NiCl4-2। इसके बारे में अपन को करना है, सबसे पहले तो इसका नामकरण करो। नामकरण करने के लिए क्या करोगे? देखो जो संकुल है वो ऋणावेशित है, सबसे पहले लिगेंड का नाम टेट्रा क्लोरिडो क्लोरो भी लिख सकते हो यहां पर, क्लोरिडो ज्यादा सही है, टेट्रा क्लोरिडो निकिलेट, क्योंकि ऋणावेशित है लिगेंड। और मैंने बताया था जब ऋणावेशित होता है तो लैटिन नाम के पीछे 8 लगा देते हैं, निकिलेट। इसकी ऑक्सीकरण अंक निकालोगे क्योंकि वो तो अपन को निकालना ही पड़ेगा VBT के अकॉर्डिंग, तो ये क्या आएगा, निकिल का एक्स मान लो, क्लोरीन ऋणावेशित लिगेंड है 4 है तो x-4=-2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा +2, तो ये सेकेंड और पीछे क्या लगा देंगे आयन, ये इसका नाम हो गया टेट्राक्लोरिडो निकिलेट सेकेंड आयन। अब VBT का पहला पद कि ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो केंद्रीय परमाणु का, तो ऑक्सीकरण अंक ज्ञात कर दिया +2 है। फिर अपन क्या करेंगे, निकिल है जो 28वें नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, ऑर्गन 3D8 4S2, ये होगा। लेकिन अपन को किसका चाहिए, Ni+2 का, निकिल +2 आयन का, इसके लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो ये हो जाएगा ऑर्गन 3D8 4S0 और 4P भी 0 है। अब यहां पर देखो Ni+2 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, आपका 4s खाली है और 4p भी खाली है। ये देखो केंद्रीय विन्यास,
इसमें 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसी तरह से भरे जाएंगे। अब देखो जो क्लोरीन है, मैंने आपको लिगेंडों की जो प्रबलता का क्रम है वो लिखाया था, और अपन को पता है क्लोरीन है जो दुर्बल लिगेंड है, H2O से पहले H2O से नीचे वाले सब कैसे होते हैं, दुर्बल लिगेंड होते हैं। तो क्लोरीन है जो कैसा है, दुर्बल लिगेंड है। तो यहां पर लिखो आप क्लोरीन Cl- दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, अतः 3D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, युग्मन नहीं होगा। अब इनका युग्मन नहीं हो रहा तो ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, अपन को पता है लिगेंड चार है तो अपन को चार संकरित कक्षक चाहिए। अब चार संकरित कक्षक कहां से मिल सकते हैं अपन को, रिक्त एक तो 4s और 3 pk, तो यहां पर जो संकरण होगा, अतः sp3 संकरण होगा। हाँ भाई, sp3 संकरण क्यों आए समझ लो इसको, क्योंकि क्लोरीन है जो दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है तो इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हुआ, तो ये तो भरे हुए हैं। जब इनमें अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये संकरण में भाग नहीं ले सकते अब, क्योंकि अपन को रिक्त संकरित कक्षक चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब रिक्त संकरित कक्षक चाहिए तो देखो ये भी रिक्त है, ये भी रिक्त है, अपन को चार चाहिए टोटल, तो 1 2 3 4 चार हो गए, संकरण क्या हो गया, 1s का और 3 pk, तो sp3 संकरण हो गया। तो ये संकरण में भाग लेंगी sp3, तो चार अपन को sp3 संकरित कक्षक मिल जाएंगे, चार क्या मिल जाएंगे, sp3 संकरित कक्षक मिल जाएंगे। तो उनमें देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो यू की यू रहेंगे 3D, तो पर ये चार संकरित कक्षक बन गया sp3 संकरित कक्षक। इनमें क्लोरीन से जो लोन पेयर मिलेंगे वो ग्रहण कर लिए जाएंगे, Cl जो है इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इनमें ये आ गए लोन पेयर, ये क्लोरीन है। अब sp3 संकरण है तो ज्यामिति आपको पता है, ज्यामिति क्या होगी इसकी, चतुष्फलकीय है, ज्यामिति क्या होगी, चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय ज्यामिति में आपको पता है सारे कोण 109 डिग्री 28 मिनट होते हैं, इस तरह से हो जाएगा Ni, एक ऊपर क्लोरीन, एक इधर, एक थोड़ा इधर और एक इधर, एक चतुष्फलक बन जाएगा ये। कोण कितना हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट सारे कोण, ये तो चतुष्फलकीय ज्यामिति हो गई। बंद कोण बता दिया 109 डिग्री 28 मिनट। अब चीज आती है कि एक तो इसका चुंबकीय गुण, तो देखो यहां पे मैं लाइन खींच रहा हूं, ये एक पोर्शन हो गया, बचा पोर्शन यहां पर। चुंबकीय गुण की व्याख्या करेंगे अपन, मैंने कहा था आपको चुंबकीय गुण के लिए क्या देखोगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखो ये रहे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इसमें, ये युग्मित नहीं है, तो दो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, दो अनपेयर्ड, दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः अनुचुंबकीय होगा। ठीक है भाई, अब इसका अगर आपको चुंबकीय आघूर्ण निकालना है तो मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है, न्यू बराबर अंडर रूट में Nn+2 बोर मैग्नेटोन, न्यू ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण, इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालो, दो और अंडर रूट में 2+2, डी ब्लॉक वाले उसमें किया था अपन ने, जब डी ब्लॉक के तत्व पढ़े थे, कितना हो जाएगा, 4 × 8 अंडर रूट में 8, भाई 9 होता तो कितना आ जाता, 3 आ जाता, पर 8 है तो कितना आएगा,
2.91 के करीब आएगा, 2.91 बोर मैग्नेट्रॉन ये आ जाएगा। तो ये इसके चुंबकीय गुण हो गया, अनुचुंबकीय ये। तो देखो अब एक चीज समझ में आ रही होगी कि कब तो संकरण डीएसपी2 होगा, कब संकरण sp3 होगा, या कब d2sp3 होगा, कब sp3d2 होगा। ये चीजें किससे निर्धारित होती हैं? लिगेंड से। तो लिगेंड की प्रबलता से, अगर लिगेंड प्रबल है तो अंदर के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और आंतरिक रिक्त d कक्षक भाग लेने लग जाते हैं, तो वहां पर d2sp3 या dsp2 संकरण होता है, ठीक है ना। और अगर दुर्बल लिगेंड है तो बाहर के कक्षक भाग लेंगे, बाहर के कक्षक भाग लेंगे तो वहां पर संकरण sp3 या sp3d2 होगा, ठीक है। अब इसके रंग, तो भाई अपन ने क्या क्या चीज बता दी, ज्यामिति बता दी, संकरण बता दिया, चुंबकीय गुण बता दिया। अब रंगन रंगों की व्याख्या करोगे, ये रंगीन होगा या रंगहीन होगा। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जहां पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसा होता है? रंगीन होता है। वो कैसा होता है? रंगीन। तो इसको कर देते हैं अयुग्मित या अनपेयर्ड, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ये संकुल क्या होगा? कलरफुल होगा, रंगीन होगा। मेरे अंदाज से आपको ये संकुल यौगिकों की ज्यामिति, संकरण निकालना, चुंबकीय गुण और ये अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ये अपन ने चतुष्फलकीय के दोनों देख लिए, अब अष्टफलकीय के और देखेंगे दो एग्जाम्पल, उसके बाद मैं अपवाद कराऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। हाँ भाई स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, समझ में आ गया ये? या तो कॉपी में मेरे साथ साथ जैसे मैंने किया वैसे करते चलिए चला कीजिए तो समझ में आ जाएगा, या बाद में स्क्रीनशॉट लेके उसको समझिए। अब देखिए तीसरा एग्जांपल, मेडिकल के टेस्ट या जेई मेंस में इसमें से क्वेश्चन बहुत आते हैं उपसंयोजक यौगिकों में से, तो आपको अच्छे से ये समझना है। और मैं तीसरा एग्जांपल जो ले रहा हूं वो ले रहा हूं कोबाल्ट का, कोबाल्ट के संकुल है CO NH3 का होल 6+3 आया ये। अब यहां पर देखिए आप कि इसका पहले नामकरण करो, नामकरण क्या होगा? हेक्सा एमीन धनायन संकुल है जो धनावेशित है, तो साधारण नाम आएगा हेक्सामीन कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो देखो अपन को पता है एमीन उदासीन लिगेंड है, तो इसके कारण तो जीरो रहेगा, तो जो +3 चार्ज है वो कोबाल्ट का ही है, तो कोबाल्ट थर्ड आयन ये इसका नाम हो जाएगा, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड आयन। ऑक्सीकरणांक पता लग गया कोबाल्ट का कितना है, थर्ड। अब सबसे पहला काम ये तो पता लग गया ना ऑक्सीकरणांक x-0=+3, क्योंकि ये उदासीन है लिगेंड, 0×6 करोगे तो 0 ही आएगा। कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन से नंबर पे आता है? 27वें नंबर पे आता है, 27वें नंबर पे कोबाल्ट। हाँ भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे कैसे लिखोगे? ऑर्गन 3d7 4s2 4p0, लेकिन अपन को कोबाल्ट +3 का चाहिए,
ऑर्गन दो इसमें से निकलेंगे और एक इधर से निकलेगा, तो 3D6 4S0 4P0 ये हो जाएगा, 3D6 4S0 4P0। अब देखो कोबाल्ट प्लस 3, 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कर लेते हैं, ये 3D में 5 कक्षक होते हैं ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, दो इसमें आएंगे और बाकी एक एक इसमें, 4s खाली पड़ा है और 4p भी खाली पड़ा है, ये बना देते हैं। अब सब कुछ किस पे निर्भर करेगा, देखो सबसे पहली बात, 6 लिगेंड है, 6 उपसहसंयोजक बंध बनाए, उपसहसंयोजन संख्या क्या है 6, 6 उपसहसंयोजन संख्या का क्या मतलब है कि अपन को 6 रिक्त कक्षक चाहिए, 6 रिक्त कक्षक चाहिए। यहां पर देखो मैंने कहा था कि अंदर वाले कक्षक भाग लेंगे या बाहर वाले कक्षक भाग लेंगे, 3D वाला लेगा या 4D वाला, ये निर्भर करता है लिगेंड पर। और अमोनिया है जो कैसा है, प्रबल लिगेंड है, NH3 कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, NH3 आपका प्रबल लिगेंड है। तो अगर ये प्रबल लिगेंड है तो ये क्या करेगा, इनका युग्मन करेगा। तो पहले तो लिखो इस चीज को, NH3 प्रबल लिगेंड है, NH3 क्या है, प्रबल लिगेंड है, अतः 3D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, युग्मन होगा। अब 3D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो ये वाले कक्षक भाग लेंगे, जब उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है तो दो ही संकरण हो सकते हैं, या तो D2SP3 या SP3D2। तो यहां पर अंदर वाला भाग लेगा तो D2SP3 हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा, अतः संकरण D2SP3 होगा। इसका मतलब ये युग्मन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां और ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो दो रिक्त कक्षक मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा युग्मन ऐसे, 1 2 3 4 5 इसमें दो इसमें दो इसमें दो, ये दो खाली हो गए, यहां 4s खाली है तो यहां 4p खाली है, तो आपके देखो 3d 4s और 4p, तो दो तो d के, एक s का और 3 p के, तो संकरण कौन सा हो जाएगा, D2SP3 संकरण। तो अब आगे देखो कोबाल्ट प्लस 3, ये तीन तो अलग से बना लो, इनमें तो ये युग्मित इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये 6 बन गए वो अपने पास, 1 2 3 4 5 6 1 2 6, ये सारे कैसे हैं, D2SP3 है, D2SP3। अब देखो इसमें अमोनिया द्वारा इनमें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ जाएंगे, इसी तरह से लोन पेयर आ जाएंगे, कौन दे रहा है, अमोनिया, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ये भैया, अमोनिया कितने 6, तो 6 ने इन 6 में दे दिए। ज्यामिति कैसी होगी, अष्टफल की, D2SP3 संकरण हो या SP3D2 संकरण, कैसी ज्यामिति होती है, अष्टफल की। तो ज्यामिति क्लियर हो गई, संकरण क्लियर हो गया, ज्यामिति कौन सी है, अष्टफल की है। अष्टफल की ज्यामिति है, बना दो अष्टफल की ज्यामिति, कोबाल्ट NH3 दो ये तल के ऊपर नीचे, तो ये आपकी अष्टफल की ज्यामिति है, D2SP3 संकरण है। अब बात करते हैं अपन चुंबकीय गुणों रंग की, चुंबकीय गुणों और रंगों की, चुंबकीय गुण
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखो यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है क्या? कोई सा भी नहीं है, ये तीनों युग्मित है, पेयर्ड है, ये भी लोन पेयर है तो पेयर के रूप में ही है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, अतः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, अतः ये कैसा होगा, अतः ये प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय। वह यहीं पर बता देता हूं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये रंगहीन भी नहीं होगा, रंगहीन होगा, कलरलेस, वह रंगहीन होगा, रंगहीन। तो एक ये एग्जांपल हो गया, समझ गए इस एग्जांपल को? सबसे पहले ऑक्सीकरण अंक ज्ञात किया, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, ऑक्सीकरण अंक के बराबर इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, फिर केंद्रीय विन्यास ये तैयार किया। अब देखा कि अमोनिया है जो कैसा है, एमीन है जो प्रबल लिगेंड है, एमीन कैसा है, प्रबल लिगेंड है। अब प्रबल लिगेंड है तो अपन ने क्या किया, इनका युग्मन कर दिया, तो अपन को आंतरिक एन माइनस वन डी कक्षक संकरण के लिए मिल गए दो, तो डी टू एस पी थ्री संकरण हो गया, इनमें छह कक्षकों में इलेक्ट्रॉन ले लिए, ज्यामिति अष्टफल की है, चुंबकीय गुणों की व्याख्या हुई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला एग्जांपल देखेंगे। अगला एग्जांपल है कोबाल्ट का ही संकुल है, कोबाल्ट का संकुल है, तो कोबाल्ट का संकुल है तो इसको मैं ऐसे ही रखता हूं, इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। हाँ भाई, इसके ये तो उतार लिया होगा आपने, चौथा वो देखते हैं, CO F6 -3, तो ये कैसा लिगेंड है, ऋणावेशित, इसका नाम दो, हेक्साफ्लोरिडो ऋणावेशित लिगेंड है, तो कोबाल्टेट आएगा, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एक्स फ्लोरीन ऋणावेशित लिगेंड है, छह तो एक्स माइनस सिक्स बराबर -3, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, +3, वही ऑक्सीडेशन नंबर, कोबाल्ट थर्ड आयन, ये इसका नाम हो गया। अब देखो वही काम करूंगा, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, इसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ये केंद्रीय विन्यास आ गया। अब आती है असली कहानी, यहां पर देखो फ्लोरीन है जो कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है, तो यहां से चेंज हो जाएगी कहानी, फ्लोरीन एफ माइनस दुर्बल लिगेंड है, फ्लोरीन दुर्बल लिगेंड, अतः 3D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, गौर करना भाई, 3D के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो अब संकरण ये तो ऐसे ही रहेंगे, संकरण में अगला जो आपका 4D कक्षक है ना, 4D वाला, वो भाग लेगा भाई, इसमें बना देता हूं अभी तो 4D, ये 4D, ये 4D कक्षक भाग लेगा, ये भाग नहीं लेंगे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, संकरण क्या हो जाएगा आपका, sp3d2, संकरण sp3d2 होगा। अब इसको दिखाओ भाई, अब की बार अपन को ये दिखाना पड़ेगा, ये 3D हो गए तो युग्मन तो हुआ नहीं, इनमें युग्मन नहीं हुआ तो ये तो ऐसे कैसे रहेंगे, अयुग्मित, यहां से हटाओ इसको, यहां से शुरू करेंगे sp3 और d2, d के दो आ जाएंगे, ये संकरण कौन सा हो जाएगा, ये 4D का है तो sp3 d2, यहां पर भी थोड़ा चेंज होगा, ये तो छह ऐसे ही बन जाएंगे, बस संकरण कौन सा हो जाएगा, ये sp3 d2, इनकी जगह फ्लोरीन लिख देंगे, फ्लोरीन, और इसको वैसे के वैसे दिखा दो, ये ऐसे,
इसमें दो, बाकी सब में एक एक। ज्यामिति वही अष्टफलकीय होगी, एनएस थ्री की जगह क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। चेंज क्या आया, ज्यामिति तो अष्टफल के ही है, संकरण बदल गया, संकरण अब sp3d2 हो गया। अब की बार अंदर वाले डी कक्षकों ने संकरण में भाग नहीं लिया क्योंकि दुर्बल लिगेंड है, युग्मन नहीं हो पाएगा इलेक्ट्रॉनों का। बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों ने भाग लिया है, बाहर वाले डी कक्षकों ने, रिक्त डी कक्षकों ने भाग लिया है, इसलिए संकरण sp3, एक एस का 3 pk और 2 dk, sp3d2, क्योंकि अपने को 6 ही संकरित कक्षक चाहिए, तो sp3d2 संकरण हो गया। ठीक है भाई, अब अपन क्या करेंगे, इसमें ये आपका क्या बन गया, यहां पर इसको ऐसे लिख दो COF6 का -3, उसका ये हो गया, ये कोबाल्ट का वो बन गया, ज्यामिति बना दी। अब देखो चुंबकीय गुण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अब की बार उपस्थित हैं, बहुत सारे उपस्थित हैं, अतः ये अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय है, रंगीन रंगीन। अब देखो पूछेगा वो तुमसे इसका चुंबकीय आघूर्ण, तो न्यू बराबर अंडरवुड में n n+2, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है चुंबकीय आघूर्ण याद करने के लिए किसी यौगिक में, अणु यौगिक परमाणु सब में। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, देखो 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 4 और 4 + 2, 4 + 6, 24, अंडरवुड में 24, 25 होता तो आपका 5 आ जाता, लेकिन 24 है इसलिए 4.92 बोर मैग्नीट्यूड, लगभग इतना ही आएगा। तो ये अपन ने इसका क्या क्या कर दिया, चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर दिया, कलर भी बता दिया, ज्यामिति भी बता दी, सारे उनकी व्याख्या कर दी। तो आपने आज की क्लास में जो सीखा है वो क्या सीखा है कि संकुल की ज्यामिति, उसके चुंबकीय गुण की व्याख्या तभी हो सकती है जब हमको ये पता हो लिगेंड दुर्बल है या प्रबल है। प्रबल लिगेंड युग्मन करता है तो अंदर वाले कक्षक संकरण में भाग ले लेते हैं, और अगर लिगेंड दुर्बल है तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों को, आंतरिक कक्षकों के इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, इसलिए बाहर वाला 4d कक्षक या nd कक्षक भाग लेता है, इस कारण से संकरण क्या हो जाता है, sp3d2। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, अगली क्लास में, अभी VBT खत्म नहीं हुआ, इसके ये जो अब तक मैंने जो समझाया है ये है बोर्ड की कहानी, मतलब बोर्ड में इसमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा, बोर्ड वाले इसी में से पूछ लेंगे, इन्हीं एग्जाम्पल्स में से जो मैंने एग्जाम्पल कराया है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अगली क्लास में जो करूंगा मैं वो थोड़ा कंपटीशन लेवल से करेंगे, आपको बताऊंगा इसमें कहां कहां अपवाद भी मिलता है, 2-3 क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, तो उनका आपको ध्यान में रखना है। जो आपके क्वेश्चन दिए हैं वो भी कराएंगे। ठीक है भाई, तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, वहां पर करेंगे कंपटीशन लेवल का। जो मैंने आपको बताया था कि श्रेणी तो अपन ने बता दी थी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, केमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें लिगेंड दुर्बल और प्रबल में बांट दिए थे, पर कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि दुर्बल लिगेंड तो प्रबल बन जाता है और प्रबल लिगेंड दुर्बल बन जाता है, तो वो चीजें मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ अपवाद है, उनको आपको ध्यान में रखना है कंपटीशन के लिए। बोर्ड लेवल पर ज्यादा वो पूछता नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना भाई, तब तक के लिए बाय।